स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस स्टडी का। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, देयर आर टू एयरक्राफ्ट गन्स नेम्ड एज ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटीज दैट द सेल फायर फ्रॉम दैम हिट्स एट प्लेन आर 0.3 एंड 0.2। दो गन्स हैं, उससे किसी प्लेन को फायर करने की प्रोबेबिलिटी जिनका नेम है ए एंड बी 0.3 और 0.2 है। बोथ ऑफ दैम फायर वन सेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम, दोनों दोनों एक ही टाइम पर उसको फायर करते हैं। अब उसने बोला है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द सेल फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हमने इवेंट ऐड कर लिए, इवन हमने लेट किया, इवन छोड़ो ए लेट किया कि सेल फायर फ्रॉम गन ए टू हिट प्लेन, और बी हमने लेट किया इवेंट कि सेल फायर फ्रॉम गन बी टू हिट द प्लेन। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.2। अब इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द सेल फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, इसको आप केस इवन भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या निकालेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। ठीक है जी, अब ओनली ए कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस का प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी हो गया ओनली बी, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख लेगा आपका बी है 0.2, तो 1 माइनस का 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपका 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए मतलब 0.3, प्रोबेबिलिटी बी 0.2। ठीक है जी, तो ये आ गया 0.3 इंटू में 0.8 प्लस का 0.7 इंटू में 0.2। ठीक है जी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24 प्लस का 0.14, ऐड करेंगे तो 0.38। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ इट इज नोन डैट सेल फायर फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। ये चीज इसको पता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम फायर कर रहे हैं इसको, तो मतलब इवन जो है वो है इसको पता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज फायर फ्रॉम बी। तो ई टू आप यहाँ पे लेट कर लो, इवन तो आपने इसको लेट कर रखा था, एग्जैक्टली वन ऑफ ई टू आप लेट कर लो कि सेल फायर फ्रॉम गन बी, तब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, गिवन का आपको क्या था एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी गिवन था। ठीक है जी, तो आपको प्रोबेबिलिटी ई टू बाई ई वन निकालना है, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई वन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। ठीक है, अब ई वन इंटरसेक्शन ई टू का मतलब समझिए, ई वन का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी फायर दी प्लेन, और ई टू का मतलब क्या है, ओनली बी फायर द गेम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब ए भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, और ई टू का मतलब सिर्फ बी हो सकता है, इनका कॉमन पार्ट क्या आ गया है, सिर्फ बी आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ओनली। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इवन जो कि 0.38 है। ठीक है जी, इसको ध्यान से समझना, इवन इंटरसेक्शन ई टू का मतलब क्या है, इवन का मतलब है एग्जैक्टली ओनली ए या फिर ओनली बी, और ई टू का मतलब क्या है ओनली बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली बी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मैंने ओनली बी लिखा है। ठीक है जी, ओनली ई टू, तो ओनली बी का मतलब क्या हो गया, इसको बी लिख देते हैं ओनली बी। तो ओनली बी की प्रोबेबिलिटी कैसे लिख लेगी, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी 0.38, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटर में प्रोबेबिलिटी बी और 0.38। अब प्रोबेबिलिटी ए डैश का मतलब हो गया आपका 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.3, और प्रोबेबिलिटी बी का मतलब हो गया 0.2 अपॉन में 0.38।
0.7 इंटू में 0.2 अपॉन में 0.38, तो हो गया 14/38। इसको अगर हम दूसरे काटेंगे तो आएगा 7/19, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया।